नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आचार्य चाणक्य की शत्रु नीति को समझने की कोशिश करेंगे और इसे समझाने के लिए मैं आपको चाणक्य नीति से साथ बहुत ही पावरफुल एंड यूजफुल बातें बताना चाहती हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चाणक्य नीति नंबर 1, आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आचार्य चाणक्य इस नीति के जरिए हमें एक बहुत अच्छा उपाय बताना चाहते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति का कोई न कोई दुश्मन है। आपका दुश्मन भी यही चाहता है कि आप हमेशा दुखी और परेशान रहे। अगर आप अपने दुश्मन को चंद मिनटों में मात देना चाहते हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप हमेशा अपने दुश्मनों के सामने खुश रहें। भले ही आपके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, आपकी खुशी ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। चाणक्य नीति नंबर 2, आपको गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से से हमेशा आपका नुकसान ही होता है। आज के समय में हर किसी की लाइफ में इतना स्ट्रेस है कि हर इंसान छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगता है, जो कि ना तो आपके माइंड के लिए अच्छा है और ना ही आपकी बॉडी के लिए। और इतना ही नहीं, बल्कि डेली लाइफ में गुस्सा करना अपने टाइम और एनर्जी की बर्बादी से ज्यादा और कुछ नहीं है। साथ ही जब आप गुस्सा करते हैं, तो आपकी चाबी दूसरों के हाथ में होती है और वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए जब चाहे आपको गुस्सा दिला सकते हैं। इसलिए अगर आपको अपना टाइम और एनर्जी बचाना है और साथ ही खुद को हेल्दी और पीसफुल रखना है, तो आज से ही वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना बंद कर दे। चाणक्य नीति नंबर 3, बिना फायदे के कोई भी दोस्ती नहीं होती। चाणक्य की इस नीति को बहुत से लोग गलत मानते हैं, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि दुनिया में ऐसे भी बहुत से दोस्त हैं जो बिना अपने फायदे के दोस्ती निभाते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य के अकॉर्डिंग अगर एक सच्चा इंसान भी आपसे दोस्ती निभा रहा है, तो भी आप उसकी दोस्ती को निस्वार्थ नहीं कह सकते, क्योंकि एक सच्ची दोस्ती के पीछे भी कहीं ना कहीं एक दोस्त का प्यार और एक अच्छे दोस्त को पाने की चाह छिपी होती है। चाणक्य नीति नंबर 4, ऐसे इंसानों से दूर रहे जिनसे आपका स्वभाव नहीं मिलता। आचार्य चाणक्य के अकॉर्डिंग इस दुनिया में हर इंसान का अपना नेचर होता है, इसलिए आपको उन्हीं लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जिनका स्वभाव और इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से मिलता जुलता हो, क्योंकि जो लोग आपसे बिल्कुल डिफरेंट नेचर के होंगे, आपकी उनसे दोस्ती होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर दोस्ती हो भी जाती है, फिर भी एक समय के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच मन मुटाव होने लगेगा। इसलिए उन लोगों से हमेशा दूर रहे जिनका स्वभाव आपसे बिल्कुल अलग हो, और अगर आपको अलग स्वभाव के लोगों के साथ रहना भी पड़े, तो उनसे सिर्फ काम से काम रखें। चाणक्य नीति नंबर 5, किसी भी इंसान को उसके कर्मों से परखें, ना कि उसकी जाति और धर्म से। आचार्य चाणक्य के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति की सोच गंदी है, तो वो कितने भी अच्छे घर में पैदा क्यों ना हो, वो सिर्फ गलत काम ही करेगा। और इसके अपोजिट कोई व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर उसकी सोच और कर्म अच्छे हैं, तो वो गरीबी में रहते हुए भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि किसी भी इंसान की जाति और धर्म उसके कर्मों को निर्धारित नहीं करते, बल्कि इंसान ही अपने कर्मों को चुनता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए उसकी जाति और धर्म को ना देखें, वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा यह जानने के लिए उसके कर्मों पर ध्यान दे। चाणक्य नीति नंबर 6, सभी दुखों में सबसे बड़ा दुख दूसरों के घर में रहना। इस नीति में आचार्य चाणक्य बताते कि आप सिर्फ उन्हीं वस्तुओं पर अपना हक जता सकते हैं जो आपकी अपनी हैं। ऐसे में अगर आप किसी और के घर में रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ना तो आप अपने मन का कुछ खा सकते हैं, ना ही अपनी मनचाही जगह घूम सकते हैं। आपको हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए सभी दुखों में सबसे बड़ा दुख है पराए घर में रहना, क्योंकि जब आप दूसरों की चीजों का यूज करते हैं, तो आप दूसरों के एहसान तले दबते जाते हैं। चाणक्य नीति नंबर 7, आपको अपने भय से कभी नहीं भागना चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी चीज को लेकर डर जरूर होता है, जिसमें से ज्यादातर डर हमको कुछ नया सिखाता है। इसलिए अगर आपके अकॉर्डिंग कोई काम करना सही है, लेकिन फिर भी आप उस काम को करने में अनकंफर्टेबल और डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आगे बढ़े और उस काम को जरूर करें।
क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन से भागता है वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज्यादातर टाइम कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है जो कि आपके लिए अनकंफर्टेबल हो। इसलिए आज से ही हर तरीके के काम को करने की आदत डाल ले, चाहे वो काम आपके लिए कंफर्टेबल हो या अनकंफर्टेबल। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।